नमस्कार, स्टार से मैं आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, बात करते हैं आने वाले सप्ताह के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। ग्रह इशारा कर रहे हैं कि इस सप्ताह पूंजी निवेश फायदेमंद तो हो सकता है, लेकिन अनुभवी क्षेत्र में भी बड़ा रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। व्यापार में आपके अथक प्रयासों के परिणाम संतोषजनक रहेंगे। कार्य क्षेत्र और व्यापार में नए उद्यम शुरू करने की आपकी जो इच्छा है वो बलवती होगी। आपके निकट और प्रियजन आपकी एक विशिष्ट पहचान स्थापित करने में आपको मदद दिलाएंगे। आपका प्रियजन आपके विचारों के लिए असाधारण रूप से सहायक होगा। खान पान का ध्यान रखें और इस सप्ताह आपके पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। बात करते हैं मृष राशि के बारे में। इस सप्ताह ग्रह भविष्यवाणी करते हैं कि किसी पुराने मित्र के सहयोग से काम करने से प्रसिद्धि और पेशेवर पहचान हासिल करने में आपको मदद मिल सकती है। आप अपने व्यवसाय में एक नया दृष्टिकोण खोजने में सक्षम होंगे। इस समय अपने जीवन साथी के समय साथ उनसे सलाह मशवरा करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये लाभदायक सिद्ध होगा। दाम्पत्य जीवन संतोषजनक रहेगा। आपको अपने परिवार के किसी सदस्य से आर्थिक मदद भी मिल सकती है। छात्र अपनी पढ़ाई में उल्लेखनीय सुधार दिखाएंगे और जहाँ तक बात खिलाड़ियों की है तो खिलाड़ी एक चमकदार करियर बनाने में सफल होंगे। मर्यादा बनाए रखने के लिए आसपास के वातावरण के अनुसार आचरण करें। सुरक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन से आपको सावधानी बरतने की मैं खास सलाह देता हूँ। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। इस सप्ताह ग्रह आपको आवश्यकता पड़ने पर ही बोलने की सलाह दे रहे हैं। बेकार की बहस से बचना होगा और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की मैं सलाह देता हूँ। शांति बनाए रखें, संयम बनाए रखें और धैर्य बनाए रखें। उन लोगों के साथ काम करना चुने जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। ये आपके लिए नए प्रोजेक्ट की गति को तेज करने में मददगार साबित होगा। उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई योजनाएं और रणनीतियां फायदेमंद होंगी। आपका आत्मविश्वास आपके रास्ते में आने वाली समस्याओं को समझाने में या सुलझाने में मददगार साबित होगा। आपका जीवन साथी आपको घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने और स्थिति को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकता है। अपने पड़ोसियों के साथ विवादों से बचें। आलस्य बढ़ सकता है और आपको सारी परेशानी का अनुभव हो सकता है, इसलिए सुरक्षित रहने के लिए उचित देखभाल की मैं आपको खास सलाह देता हूँ। बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। इस सप्ताह आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझने का सुझाव मिलेगा। व्यापार की जो स्थिति है वो काफ़ी आशाजनक रहेगी। संभावित व्यावसायिक प्रस्तावों को प्राप्त करने के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। उनका सर्वोत्तम संभव तरीके से आपको आपके द्वारा उपयोग किया जाना चाहिए। छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरों के कानूनी मामलों में खुद को ना उलझाएं, इससे आपका समय खराब होगा और समाज में आपका जो नाम है वो भी खराब हो सकता है। आपके कार्यस्थल पर आपके भविष्य के दिनों को नया रूप देने के लिए परिवर्तन देखे जा सकते हैं। ये परिवर्तन आपके करियर के विकास के लिए बहुत ही संतोषजनक हो सकते हैं। बेरोजगार जो युवक हैं, जो भी लोग हैं, उनको रोजगार के अवसर मिल सकते हैं और अपने खान पान का ध्यान आपको इस आने वाले सप्ताह में रखना ही होगा। सिंह राशि की बात करते हैं। इस सप्ताह आपके वित्तीय व्यय में तेज वृद्धि की भविष्यवाणी देखी जा रही है। यह आपके बजट में थोड़ी गड़बड़ी पैदा कर सकता है, इसलिए खर्च करते समय गणनात्मक रहें। बेवजह के विवादों से दूर रहें जिससे आपका तनाव ही बढ़ेगा। आपको चंचल मानसिकता आपके लिए समय पर सही निर्णय लेने में कठिनाई पैदा कर सकता है, इसलिए नियंत्रण रखें। किसी के लालच में बहकावे ना आए। वाहन चलाते समय सावधानी से चलाएं। आपके स्वास्थ्य क्षेत्र की मैं बात करूं तो आप इस सप्ताह बेचैनी रह सकते हैं, इसलिए डॉक्टरी परामर्श आप जरूर लें। बात कर लेते हैं हम लोग कन्या राशि के बारे में। इस सप्ताह आपके कार्यस्थल पर लाभकारी परिवर्तन देखे जा रहे हैं। आसपास के लोगों को जानना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इससे आपको अपना काम आसानी से करने में मदद मिल सकती है। अपनी क्षमता पर भरोसा रखें और कड़ी मेहनत करते रहें। आपको घर और बाहर दोनों जगह सख्त फैसले लेने की जरूरत है। आपकी किसी जानने वाले के लिए आपकी बहुमूल्य सलाह जो है वो काबिल-ए-तारीफ साबित हो सकती है। किसी भी समय जल्दबाजी करने से बचें। आपकी आवश्यकता के आधार पर किसी मित्र से आर्थिक सहायता मांगना ठीक रहेगा। सप्ताह सामान्य रहेगा और आपके अगर शारीरिक स्वास्थ्य की बात करो तो सेहत के लिहाज से यह जो सप्ताह है वो सामान्य रहने वाला है। बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। आपके लिए यह सप्ताह बहुत खास अनुभव देने वाला रहेगा। समाज आपके काम का गंभीरता से विश्लेषण कर सकता है, इसलिए आलोचना से बचने के लिए अपनी कार्यशैली में कुछ बदलाव लाएं।
आलस्य को अपने बेहतर स्वभाव पर हावी बिल्कुल भी ना होने दें। ऑफिस में अपने कर्तव्यों का निर्वहन सक्रियता के साथ करें और आपके रास्ते में आने वाले किसी भी नए अवसर का या चुनौतियों को आपको जो है धैर्य के साथ स्वीकार करने की जरूरत है। पुराने समय से चली आ रही जो समस्याएं उनका अंत होगा। यात्रा का आपको अनुभव मिल सकता है, यात्रा करने का सौभाग्य इस हफ्ते में आपको मिल सकता है। पारिवारिक मोर्चे की अगर मैं बात करूं तो उस पर ध्यान देने की आपको जरूरत है। घर के छोटे सदस्यों की बातों को आप अनदेखा बिल्कुल न करें। बात अगर छात्रों की करें तो छात्रों के लिए जो सप्ताह है वो महत्वपूर्ण रहने वाला है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। इस सप्ताह व्यापार में आपके प्रयासों के परिणाम में देरी देखी जा रही है, इसलिए चिंता करने के बजाय धैर्य के साथ समय की परीक्षा से गुजरना आपके लिए अच्छा साबित होगा। आपके जीवन साथी की व्यावसायिक सफलता संतोषजनक रहेगी, इससे आपको अच्छा लगेगा। अपने भविष्य के लिए बचत करने के बारे में सोचने का यह सही समय है, इसलिए इस पर गंभीरता से योजना बनाना शुरू करें। अपने बच्चों का अधिक ध्यान दें, उन्हें ऐसा कुछ भी करने से रोकें जिससे उन्हें परेशानी हो सकती है। अगर आप वाहन चलाते हैं तो आपको यातायात के नियमों का मैं पालन करने की सलाह दे रहा हूँ। बात कर लेता हूँ धनराशि के बारे में। इस सप्ताह व्यवसाय के क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयास लाभदायक साबित होंगे। हालांकि अपने महत्वपूर्ण कार्यों में देरी न करें, अपने कर्तव्यों का पूर्ण समर्पण के साथ पालन करना सबसे अच्छा होगा। अविवाहित लोगों के विवाह की चर्चा घर पर हो सकती है। व्यवसाय आपकी गणना से अधिक समृद्ध होगा। किसी रिश्तेदार के शुभ समारोह में भाग लेने के भी आपकी अनिच्छा के बाद भी आपको वहां पर शामिल होने जाना पड़ सकता है और इससे आपका बजट भी बिगड़ सकता है। अपने आसपास शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। आप अपने बच्चों की मदद करने की कोशिश करें, उनकी परेशानियाँ क्या हैं उनको समय दें, उनको समझने की कोशिश करें, इससे उनको काफ़ी मदद मिलेगी। बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। ये सप्ताह आपको उन महत्वपूर्ण वित्तीय मुद्दों से राहत में देगा जो आपके काफ़ी समय से परेशान कर रहे थे। आपको अपने वित्तीय समीकरण में सुधार देखने को मिलेगा। आपके सामने आय के नए स्रोत खुलते दिखाई दे रहे हैं। समय आपको अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रखेगा। अपने राजनीतिक संबंध का लाभ उठाना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता के योग नजर आ रहे हैं। आपके जीवन साथी और आपके बीच महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है। अगर आपको कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाना है तो पहले अपने वाहन की अच्छी तरह से आपको जाँच करने की मैं सलाह देता हूँ। बात करें स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। इस सप्ताह आपकी आय में तेज वृद्धि के बारे में ग्रह इशारा कर रहे हैं। बाहरी मामलों में दोनों को संतुलित करने की आपकी जो क्षमता है उसको आपको प्रदर्शित करने का ये एक सुंदर मौका आपके पास हो सकता है। आपके मित्र और प्रियजन आपको पूरा सहयोग देंगे। आपके माता पिता भी आपकी प्रशंसा करेंगे। कोई भी नया व्यवसाय शुरू करने से पहले बिना असफलता के सफलता प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें। जी हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आप असफल न हो और आप सफलता प्राप्त करें तो आपके अपने घर में का जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनका आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करूँ, अगर इस समय इस सप्ताह अगर आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होना है तो आपके लिए अच्छे परिणाम की जो ग्रह जो है वो घोषणा कर रहे हैं। मीन राशि की बात कर लेते हैं। इस सप्ताह किए गए सभी कार्य आपके पक्ष में रहेंगे। परिवार के किसी करीबी को नौकरी का मौका मिलने की खबर से घर का जो माहौल है वो खुशनुमा रहेगा। आपके बच्चे अपने करियर में महान ऊंचाई को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कठिन से कठिन परीक्षाओं में बैठने के दौरान अपने उत्तर देते समय अति आत्मविश्वास से आपको बचने की मैं सलाह देता हूँ। ये सबसे अच्छा होगा कि आप ध्यान से सोचें और फिर वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए उत्तर दें। वाहन और घर में निवेश करने के लिए ये सप्ताह अच्छा है। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूँ तो स्वास्थ्य जो है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए प्रसन्नतादायक रहेगा। दर्शकों, हमने बात करी एक सामान्य फल की। अगर आप कुंडली के बारे में विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप किसी भी समय हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588800990 और हमारी वेबसाइट है www.starstell.com। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें स्टार स्टेल। नमस्कार।